शाह और बेगम की बातें हो चुकी हों ख़त्म अगर तो कीजिए हालात के मारे जोकर की बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू और मेरे साथ आज मौजूद हैं रिजवान जोकर। तो आज हम कुछ जानेंगे जोकर की ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने 6 साल की उम्र से ही आप जोकर बनना शुरू कर दिया और अभी आप माशाल्लाह 24 साल के हैं, तो ये इस अरसे के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे आपको जोकर बनने का शौक पैदा हुआ? मुझे तो शुरू से शौक था, बाग घर वाले स्कूल भेजते थे उधर। अच्छा। से बाग जाना, सर्कस एक मरतबा देखी मैंने। अच्छा। तो सर्कस में बस काम किया, पकड़ के लेके जाते थे, स्कूल छोड़ते थे, फिर बाग जाता है, लेकिन शौक था मेरा। अच्छा। तो जिंदगी का शौक पूरा किया है। अच्छा। तो कर रहा हूँ अभी। अच्छा, पहली बार कब देखी थी सर्कस आपने? तकरीबन मैं 6-7 साल का था जब देखी थी। अच्छा, मतलब वो सर्कस देखी आपने, उसके बाद आपको जोकर बनने का शौक हो गया? उसके बाद जोकर बनने का शौक। अच्छा। पींगे वगैरह उधर एटम करता था। हाँ जी, खिलाड़ी हूँ सर्कस का। अच्छा। फनकार हूँ, उस्ताद की दुआएं के साथ ही। अच्छा। बस इधर तक पहुँचा हूँ मैं। अच्छा, तो उस्ताद कौन है आपके? साहब मलक नबी नाम है। अच्छा। तो सर्कस का बहुत बड़ा यानी के बहुत बड़ा नाम है, फनकार है। अच्छा। तो आप बड़े बड़े जियो न्यूज़ वाले आते हैं उधर, तो वीडियो वगैरह हमारी, पिक्चरें वगैरह। अच्छा, ये वैसे बड़ा नेकी का काम भी है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना। अपना दिल ना भी कर रहा हो, अपने दिल में गम भी हो, कई और परेशानियां भी हैं, उसके बावजूद अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखना और लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। जी जी, बस हंसाना हमारा काम है, लेकिन आगे से लोग कुछ ऐसे मिलते हैं, कुछ यानी कि डरा देते हैं, डरते मारे हंसते नहीं है, किसी को साह देते हैं, डराते हैं। नहीं, डरा देते हैं क्या मतलब? लोग डरा देते हैं आपको? नहीं, आपकी वजह से मैं डरा देता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, मेकअप की आपकी बात करें, मेकअप की, आपने मेकअप बड़ा प्यारा मेकअप किया हुआ है, ये खुद ही करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, तो ये भी आपने अपने उस्ताद से सीखा? बिल्कुल, सानस खाया मुझे। अच्छा, ये मेकअप में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है आपने? ये मिलते हैं कलर वगैरह मिलते हैं, इसको मिक्स करने पड़ते हैं। अच्छा। तो ये जाके चेहरे को ताकि नुकसान बना हो। हाँ जी। तो ऐसी चीज़ें इसके बीच मिलाते हैं चेहरे को नुकसान हो, ताकि चेहरा साफ करे। अच्छा। हाँ, इस तरह की चीज़ यानी कि डाली है मिक्स की। अच्छा अच्छा, जोकर का मतलब एक जो जोकर होता है वो अपनी यार नहीं कि आप असल में रिजवान है, अपनी शख्सियत को छुपा के एक नया किरदार अपने ढाल के लोगों को हंसाना, एक अपनी एक पहचान बनाना, ये कैसा कोई मुश्किल नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। नहीं, हर इंसान कहता है कि मेरी पहचान हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, तो आपने अपनी पहचान छुपाई हुई है और एक जोकर बन के मतलब आप लोगों को हंसा रहे हैं। जी जी, यही बात फन है मेरे पास, यही सब कुछ है। अच्छा। जिधर भी जाता हूँ इसको नाल लेके जाता हूँ, ये मेरे साथ 24 घंटे सीने के साथ लगी हुई है। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका नाम डोली। अच्छा, डोली है इसका नाम। डोली इसका नाम। अच्छा, ये कुछ खाती पीती भी है, कुछ बोलेगी? नहीं नहीं, ये नहीं बोलती। अच्छा, ये गूंगी है, इनकी मुँह जबान नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों को कोई पैगाम देना चाहे, कोई आपको देख के कुछ मजाक वगैरह भी करते होंगे कि ये तुम किस लाइन में आए हुए हो? हाँ, पढ़े होते हैं, इंजीनियर बने होते हैं, कोई एसी वाले कमरे में बैठ के तुमने काम किया होता, क्या तुम सारा दिन गलियों में सर्कसों में घूमते रहते हो? वो भी लोग कुर्सियाँ से बैठे जो ऐसे होते डेढ़ ढेड काट के बैठे हुए हैं। तो ऐसी तो बात टोरती फिरती दुनिया, पसीना भी करना है। हाँ जी, जिसम स्मार्ट है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, नहीं कभी वो नहीं होता कि आप भी पढ़े होते, कोई दफ्तरों में बैठ के काम किया होता, कोई कारोबार किया होता? शौक नहीं था पढ़ने का ना दफ्तरों में, ये शौक था मेरा। अच्छा, मतलब आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कोई लोगों के लिए को आखिर में पैगाम? लोगों के पास क्या कहना है। हाँ जी, कुछ लोग अच्छा मानते नहीं हैं। अच्छा, इन चीज़ों को। अच्छा अच्छा, हंसाते कैसे आप? कोई जोक सुनाते हैं किस तरह? कोई एक जोक हमें भी सुना दें। नहीं, जोक क्या सुनाना, बस ऐसे ही लोग हंस पाते हैं, डर जाते हैं, हंस जाते हैं। दो कामों में एक काम मैं करता हूँ। अच्छा, या हंसा देते हैं या डरा देते हैं? डरा देते हैं। या हंसा देते हैं या रुला देते हैं? या हंसा देते हैं या रुला देते हैं। वो गाना सुना ना, शेर किस्सा है बड़ी लंबी कहानी है, मैं जमाने से नहीं आ रहा, बस किसी की बात मानी। ओहो, अच्छा, वाह, क्या बात है, क्या बात है। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रिजवान जोकर। आपने जाना जोकर की कहानी, 6 साल की उम्र में ये पहली बार जोकर बने। ये जब 5 साल के थे, इन्होंने सर्कस देखी और इनको जोकर का किरदार इतना पसंद आया
कि इन्होंने अपनी जो सारी ज़िंदगी है ये जोकर बन के ही रहने में इन्होंने इसको समझा कि इसी में ही मज़ा है। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलहदनान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।